हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिसमें 510 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 11 बजे लोकभवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 199 में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, 138 परिवहन के कनिष्ठ सहायक भी इसमें शामिल हैं। 128 निर्वाचन विभाग के कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। कुल 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री 11 बजे इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। 138 परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक भी इसमें शामिल रहेंगे। संजय चौहान जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, मिशन रोजगार को संकल्पित करती सरकार की ये जो योजना है वो अब दिख रही है और आज भी इस योजना के मद्देनजर एक बड़ा कार्यक्रम है। संजय, कैसे देखा जाए? बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि लगातार रोजगार को देने का अवसर जो युवाओं को सरकार पूरा कर रही है और जो सपने कहा जाए या वादे कहा जाए कि जो चुनाव में सरकार ने किए थे युवाओं से, उसको लोकसभा के पहले लगातार दिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से 11 बजे लोकभवन में नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष व पारदर्शी सेवा भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 199 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की संख्या की बात करें तो सचिवालय प्रशासन विभाग के 183 कनिष्ठ सहायक, परिवहन विभाग के 128 कनिष्ठ और निर्वाचन विभाग के 510 को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने का सरकार का प्रयास है और 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से पहुंचेंगे और इन तमाम युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर के उनके स्वर्णिम भविष्य की कहीं ना कहीं बधाइयां भी देते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास है कि किस तरीके से सरकारी नौकरियों को पारदर्शी तरीके से योगी 2 सरकार पूरा कर रही है। जी, और देखिए संख्या भी इसकी ठीक ठाक है और ऐसे में जो सवाल उठा करते थे कभी सरकार पर, वो सवाल भी अब कहीं ना कहीं कम होते दिख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया का इस्तेमाल सरकार ने किया है तो उससे जो सवालिया निशान भर्ती प्रक्रिया पर लगते थे उन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठना बंद हुए हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत लगातार योगी आदित्यनाथ अपने पिछले कई भर्तियों को, आपने देखा कि लोकभवन में ही नियुक्ति पत्र वितरण किया गया हो, चाहे पुलिस विभाग की भर्तियों का मामला रहा हो या यूपी ट्रिपल सी के जरिए तमाम और भर्तियों के मामले रहे हों, तो उन मामलों को देखते हुए और आज फिर से जिस तरीके से यूपीएससी और ट्रिपल एससी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, तो तकरीबन 11 बजे लोकभवन में ये कार्यक्रम होगा और पूरा विधि विधान से लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। स्वाति, ठीक है, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी और अगली बड़ी खबर